साथियों फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हजारों युवाओं के लिए जो कुछ ताज़ा जानकारी लिया है, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार जिसको जो है मार्केट कमेटी के अंदर अभी थोड़े से दिन पहले जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ऑफर लेटर और शॉर्टलिस्ट मैसेज जो है देने का काम किया गया था। अब वो साथी जो है सीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि सीएम साहब जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सटेंड करवाने का काम करें, क्योंकि हजारों युवाओं की जो है रोजी रोटी का सवाल है। आप साथियों ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर अभी थोड़े से दिन पहले जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के ऊपर और चौकीदार के पदों के ऊपर जो है ऑफर लेटर निकालने का काम किया गया था, जो फिलहाल अभी जो साथी भाई ज्वाइनिंग लिए हुए हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 15/11/2024 लग का है। अब जो उन साथियों की जो है नौकरी जाने का संकट आ चुका है, क्योंकि साथी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी पता है भाई कि जब एक किसी भी बेरोजगार युवा की नौकरी लग जाती है और जब वो नौकरी जाती है तो कितना बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ है कि 15-20 दिन की जो है नौकरी मिली और उसके बाद में उसको जो है घर बिठा दिया गया। तो इसीलिए जो है साथी जो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, ऐसा नहीं है भाई ये कोई ज़्यादा यानी कि इनकम होगी इस परिवारों की, ज़्यादा इनकम भी नहीं है, बीपीएल श्रेणी से जो ये साथी बिलोंग करे हैं तभी इनको जो है शॉर्टलिस्ट मैसेज दिए गए हरियाणा सरकार की तरफ से। तो इन साथियों को ने जो है गुहार लगाई सीएम साहब से और पत्र भी लिखने का काम किया है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको एक्सटेंड कराया जावे। इस प्रकार से इन्होंने जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लिखा है कि आजकरण के कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने हेतु निवेदन पत्र लिखा है कि आपसे निवेदन है कि हम लोगों की 1/10/2024 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नियुक्ति हुई थी, जिसमें हम हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा मार्केट कमेटी जो है अलग अलग प्रकार से जो है लगाने का काम किया गया था। कुछ डाटा इंटरप्रेटर लगाए गए थे, कुछ जो है चौकीदार के पदों के ऊपर लगाए गए थे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब जो है 15/11/2024 लग खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास कोई भी रोजगार का पर्याप्त साधन भी नहीं है, जो हम पहले काम करते थे वो भी छूट चुके हैं, क्योंकि इन साथियों ने आस लगाई थी भाई कि हरियाणा सरकार ने हमें जो है कुछ नौकरी दी है, बेरोजगारी का आलम है, जब तक हमें जो है पक्की नौकरी नहीं मिलती तब तक हम जो है कुछ कच्ची नौकरी तो कर लें जिससे हमारे घर का जो है खर्चा वगैरह चलता रहे। इसीलिए जो है साथियों ने अपनी ज्वाइनिंग भी ले ली और उसके बाद में अब जो है इन्होंने जो पहले जॉब करे थे भाई वो भी छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने देखा भाई हरियाणा की अगर कोई सरकार हमें नौकरी दे रही है तो अच्छा सरकारी नौकरी करा, ना कि कोई प्राइवेट धंधा और वगैरह वगैरह करा, क्योंकि सरकार के अंदर अगर कुछ हाथ होता है तो वह कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी अलग हुआ है और प्राइवेट अलग हुआ है। तो इसीलिए जो वह साथियों ने जो है सरकार का साथ दिया और सरकार के अंदर जो वह काम करने का काम कराया, जिससे जो भाई जितने भी जो किसान हैं वो अपना जो वह फसल वगैरह को टाइम के ऊपर बेच सकें। इसलिए इन्होंने जो भाई निवेदन कराया कि हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल जो है बढ़ाने का कष्ट करें, किसी अन्य विभाग में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्त करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। इन्होंने जो भाई साफ साफ कह दिया कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मान लो कि एक्सटेंड नहीं हो सकता तो हमें और कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वह और कहीं पे जो है मौका दे दिया जाए। इसलिए जो है सीएम साहब से गुहार लगाई है और हम भी जो है हरियाणा सरकार के सीएम साहब से जो है गुहार लगाने का काम करा, हाँ कि इस प्रकार से जो ये कर्मचारी लगाने का काम कराया गया, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर चौकीदार हैं, इनको जो है इस प्रकार से नौकरी से जो है ना हटाने का काम कराया जाए, इनका या तो यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर कहीं और जो है एडजस्ट कर दिया जाए, जिससे जो है इन हज़ारों परिवारों की जो है रोजी रोटी चलती रहे और जो वे साथी जो इसके ऊपर आस लगाए बैठे हैं। तो हम तो सिर्फ बस यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। इस प्रकार से जो है साथियों ने जो है रिक्वेस्ट करी है कि सर जो है आपके माध्यम से भी हमारी जो रिक्वेस्ट आगे जो पहुंचाने का काम कराया जावे, जिससे हरियाणा सरकार उसका भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले ले। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय।